शब्द संपदा इस पाठ के प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे। सूर्य नारायण रणसुबे जी ने बहुत ही मार्मिकता से हमें शब्द का महत्व बताया है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, इस धरातल का निर्माण 4 अब्ज वर्ष पहले हुआ। इस धरातल की कई विकास अवस्था से लेकर आदिम अवस्था से आधुनिक अवस्था तक इस मनुष्य प्राणी का अन्य प्राणियों की तुलना में विकास प्रकार किस प्रकार हुआ, इसका महत्व पाठ के लेखक ने बताया है। वे कहते हैं कि भाषा हमारे जीवन का, हमारे प्रगति का, संस्कृति का मूल है। सभी ज्ञान शाखाओं का विकास जो हुआ है वो भाषा की जड़ से हुआ है। तो भाषा का अर्थ देखा जाए तो भाषा यानी सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन यानी भाषा है। सार्थक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उस शब्दों का एकत्रित संकलित ऐसा एक संयोजन यानी भाषा है। ये संसार बहुत ही शब्दों का भंडार विचित्र है। इस संसार में हम जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा इस शब्द की ताकत बन जाती है। इस मनुष्य संसार में भाषा शब्द बहुत ही ताकतवर हम महसूस करते हैं जब उसका प्रयोग अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा शब्द को हर एक को अर्थ या ध्वनि या चिन्ह लगा होता है। वो ध्वनि या चिन्ह निर्जीव होता है, लेकिन ये भाषा जब सचेतन बन जाती है, सजीव बन जाती है, तो वो प्रयोग करने के पर निर्भर हो जाती है। हम इस शब्द का, इस भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं तो और भी वो ज्योत बन जाती है, सजीव बन जाती है, उसमें चेतना निर्माण हो जाती है। मनुष्य का विकास किस प्रकार क्यों हुआ, तो मनुष्य अपने स्वभाव से दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को संप्रेषित कर लेता है। संप्रेषित करने के उसे बहुत ही शब्दों का प्रयोग कर लेता है ताकि उससे आदमी आदमी से जुड़ जाए, उसका जो जीवन है एक दूसरे से जुड़ सके। और उसके जैसे मनुष्य के स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही स्वभाव के शब्द के स्वभाव बन जाते हैं। कई शब्द का प्रयोग करने से आदमी के चेहरे पर हंसी आ जाती है, कई शब्दों के प्रयोग करने से उदासी छा जाती है। ऐसे कई शब्द हो जाते हैं शब्द तकलीफ निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कई शब्द होते हैं भाषा के, वो शब्दों का प्रयोग करने से कई लोगों के मन पर, चेहरे पर हंसी निर्माण हो जाती है, प्रसन्नता निर्माण हो जाती है। हम मनुष्य प्राणी जिस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे उसी प्रकार की भाषा शब्द संपदा की सार्थकता हमें महसूस हो जाएगी। इसी प्रकार हमें शब्द संपदा का बहुत ही अनमोल संग्रह करना चाहिए।